दोस्तों आज का जो व्लॉग है वो बसंत से रिलेटेड है, क्योंकि आज रावलपिंडी में बसंत है और आज का जो व्लॉग है इसमें बातें होंगी, टोटली बातें। और मेरे बहुत कम ऐसे व्लॉग्स होते हैं जिनमें मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ, लेकिन आज के व्लॉग में बहुत ज़्यादा बातें करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। देखो वैसे तो पिंडी में बसंत जो है वो पूरी तरह से बैन है, मतलब मस्जिद वगैरह में ऐलान हुए हैं बाकायदा कि कोई भी अगर पतंगबाजी करते हुए पकड़ा गया तो मेरा पीछा लगा हुआ है बहुत ज्यादा और पुलिस की टेंशन, पुलिस तो नहीं आ रही, इसको जुगाड़ना, इसको जुगाड़, इसको लगा आओ ना भाई, डर क्यों साथ भाई, आओ ना कौन भाई लगा ना उसी साथ, मेरी पूरी फोर्स आ रही है अभी पतंग उड़ाते हुए। ये धागा, ये धागा है, ये हमारे भाई साहब उड़ा रहे हैं। भाई कैसा फील कर रहे हो? यार मैं सुबह से इतने गुड्डे काट चुका हूँ ना उड़ाने ही अभी स्टार्ट किए हैं, सुबह से कौन से गुड्डे, झूठ यार, सुबह से एक ही गुड्डा उड़ाया, मैं आपसे पहले उठा अभी तक ही मेरा यही गुड्डा उड़ा, ये देख मेरे हाथ, ये मेरे हाथ देखें, कुछ भी नहीं हुआ, सारे काट चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ, गुड्डे भी कुछ भी नहीं हुआ, और ये मेरा गुड्डे आगे लुटेरा आ गया, ओ लुटेरे, ओ हमजा मेरा मामू, मेरा बेटा है हमजा, ये गलत बात है यार, मेरा गुड्डा है ही, चल तेरा बेटा, ये मुझे ना डालना यार, ये चल देख कह रहा है व्लॉग में ना डालो यार, ऐसी भी कोई बात है, शर्माते हो यार, तुम शर्माते हो, देखो तुम्हें अभी इस वक्त तुम्हारा भाई देख रहा होगा कनाडा से, क्या मैसेज दोगे अपने भाई? कुछ नहीं भाई, कोई एक मैसेज दूंगा, बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ो और अपनी सेहत का ख्याल रखो, सही है। ओके अहमद अली सुन लिया, अहमद अली को मैसेज जा रहा है, अहमद अली स्पेशली हमारे हमारे बेस्ट कजन के लिए मैसेज, अहमद अली के लिए मैसेज, ये नहीं बोलना, अच्छा अहमद अली के लिए एक मैसेज, आई मिस यू ब्रो, आप यहाँ पे होते हैं तो आप देखते हैं, आपकी पिचक पिचक हमें बहुत मिस करेंगे, और पिचक पिचक याद है, पिचक पिचक यार, ये जो आप भी सोच रहे होंगे ये कौन है, अहमद अली मतलब मेरा कज़न है जो कनाडा, और जो पहले बसंत होती थी उनमें वो हमारे साथ होता था, लेकिन अभी वो कनाडा चला गया है, तो हम उसे बहुत मिस कर रहे हैं, बस आएगा नेक्स्ट मंथ वो भी, फिर उसके साथ भी ब्लॉग हम बनाएंगे लाजमी। क्या हुआ पतंग के साथ, कट गई? अब बोलो कितने काटे सुबह से, आगे से लंगर मारा किसी बंदे ने, झूठ पहला झूठ यार, वहाँ ठीक पैसा लग गया, पैसा लग गया, बहुत अफसोस है, अफसोस। मैं असल में प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ तो मेरा काम है। अच्छा लास्ट ब्लॉग में भी इसने यही बताया था, लास्ट ब्लॉग में भी बताया मैं डॉक्टर हूँ। हम सब क्या कहते हैं, उड़ानी चाहिए पतंग? ला यार चौदह नहीं आनी है, उड़ा यार डेंजरस है यार, डेंजरस है, मर भी आप उड़ाते हो यार, मैं खुद नहीं उड़ाता, मुझे खाली लूटने का शौक है, लूटने का, वो उसका तो अलग मजा होता है ना, लूट के उड़ाने का अपना मजा। हाँ बिल्कुल, हमजा लेके आ रहे तीन तावा जो हमने लूटा था कल, ओ माय गॉड, माय गॉड, यार ये तीन तावा ठीक है, कैमरे में वैसे छोटा बना लेते हैं भाईजान, भाई कैमरे में छोटा लग रहा है देख लो, लेकिन ये तीन तावा सही है, इसको उड़ाएंगे अभी या नहीं? नहीं जी ये रखा हुआ रहेगा, डेकोरेशन पीस है, डेकोरेशन पीस नहीं यार, आवाज से काम होगी उस दिन उड़ाने, अच्छा ये तावा हम क्यों नहीं उड़ा रहे हैं, तीन तावा यार, पहली बात तेज हवा है, हाथ कट सकते हैं, ऊपर से बाद में आपको पता है हाथ कटता है केमिकल से, तो बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा। मेरा एक दोस्त था, मैं एक वाक्य सुनाना चाहता हूं, ओके एक वाक्य सुना रहे हैं हमारे दोस्त था, उसे गुंडे उड़ाने का बड़ा शौक था, एक दिन गुंडा उड़ा रहा था, उसको पता नहीं चला उसकी जिप खुली थी, सीधा केमिकल उसकी जिप के साथ लगा, उसकी हो गया वो, अपने पास 50 गुड्डे पड़े हों और पड़ोसियों से फिर भी गुड्डा मांगते हैं, बाज नहीं आ रहे ये भाई हमारे, अभी ये पड़ोसियों लंगर फेंक रहे हैं और वो हमें पतंग देंगे, और ये अभी तक नहीं पहुंचा, अभी तक नहीं पहुंचा, ये तीसरी ट्राई थी, पहली व्लॉग में नहीं आ सकी ट्राई, दूसरी भी नहीं आई, तीसरी आई है, और ये बिल्कुल ये वैसे पहुँच सकता था लेकिन नहीं पहुँचा, छोटे फेंकू ना, हाँ ना यार फेंक भी दो, वो कह रहे कब से फेंक रहे हो तुम, जल्दी से फेंको यार, 1 2 3 गो, ओ
ये हम चप्पल बांध ये हम फेंकेंगे और वो हमें पतंग देंगे, हालांकि हमारे पास 50 गुड्डे पड़े हैं और ये हम पक्का आएगा। यार चप्पल भी अलग गया, लंगर भी अलग गया। यार अभी ये लंगर फिर से फेंकेंगे बना के अच्छे वाला के वहां तक पहुंच जाए और वो हमें पतंग देंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास पतंग पहले से कितने पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखे जरा, ये पतंग हमारे पास पड़े, फिर भी हम पड़ोसियों से मांग रहे हैं। ये अब आएगा, अब तो आएगा, अपना टाइम आएगा। ओ ओ पहुंच गया, ओ पहुंच गया, फाइनली मिशन सक्सेसफुल। अभी मैं जाता हूँ अंदर से गुड्डे सारे बाहर निकाल के इनको दिखाता हूँ। ये देखो डालने मुश्किल उठा के लिए आना शुरू हो मेरे को गुड्डे लेके आता हूँ। अभी उन पड़ोसियों को नहीं पता कि हमारे पास पहले से कितने ज़्यादा पतंग पड़े हैं। अभी मैं लेके आऊँगा। वो पतंग दे दी उन्होंने यार, यार अगर मैं थैंक्स ब्रो थैंक्स यार, वो देखेंगे देखे वो अभी पीछे हटिए। उसामा भाई तो ये है उधर, क्यों बुला रहा है? वो देख रहा है। ओ पतंग आ रही है कटते हुए, ये पतंग आ रही है कटते हुए, इसका धागा यहीं पे कहीं होगा। यार दोस्तों आज का जो ब्लॉग है उसमें काफ़ी सारी हमारी बातें हुई हैं, मतलब बहुत रैंडम ब्लॉग है आज का। और एक पतंग इस वक्त आ रही है कट के बिल्कुल हमारे सामने, आपको दिखाऊं, ये आते हुए कैमरे में लग रहा है ऐसे ये जैसे बहुत दूर से आ रहे हैं, लेकिन बहुत करीब पहुंच चुका है। और ये इसने अपना रुख चेंज कर लिया और यहाँ पे नहीं आएगा, कंफर्म अप नहीं आएगा। वो जा रहा है, मैं जूम करता हूँ, वो गिर गया। पीछा लग गया हमारा, अजाने भी हो रही हैं, अजाने हो रही हैं इसलिए मैं कम बोलूँगा अभी, सिर्फ आप पीछा देखें। मारा नीचे वाला ऊपर वाला मुझे नहीं आ रही। वो ऊपर वाला मारा है, क्या दो एक काट गया, एक वो जा रहा है काट के करके मेरा। यार दो पेचे काटे हैं अभी हमारे पतंग ने। अभी बहुत ज्यादा मजबूर हो गया, मजबूर हो गया अंकल, मजबूर अंकल मजबूर। अली भाई खड़े हैं, दो घंटे बाद अली भाई बाय बाय करते हुए। अली भाई अभी जाके आए हैं, अली भाई को एक घंटे पहले कॉल की थी, अली भाई ने कहा था हम 5 मिनट में आ रहे हैं और अभी अली भाई पहुंचे हैं, भाई एक घंटे बाद आए हैं। हमजा अली भाई पे हंस रहे। चले ओके ओके, मैं ब्लॉग एंड करके आता हूँ। यूसुफ भी आ गया हमारे साथ पतंग उड़ाने। यूसुफ पतंग उड़ाओगे? उड़ा ली थी आपकी, किधर है पतंग? वहाँ पे। अभी अभी बो काटा किया आपने? बो काटा किया नहीं, नहीं किया, क्यों पतंग नहीं पकड़ी? अभी करा दो, चलो उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा। है भी नहीं है। अच्छा अभी मैं थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा दूंगा यूसुफ को, मैं उससे बोलूँगा कि ब्लॉग बनाए, लेट्स सी कि कैसे बनाता हूँ। ओके बातें करो यूसुफ, ये लो आपने बातें करनी है सब। हेलो हाँ चलो ना बातें करो, आप क्या इस तरह नहीं पकड़ते, इस तरह पकड़ते हैं देखो, ऐसे ऐसे पकड़ो। हाँ आज यूसुफ ब्लॉग बना रहे हैं हमारे साथ। यूसुफ सलाम करो। वालेकुम सलाम। और ड्रोन उड़ाया मैंने, ड्रोन आसमान में देखा था, देखा था मैंने, उड़ाया ही नहीं, किस तरह देख लिया आपने? बोलो कुछ, कुछ भी नहीं बोल रहे। अच्छा बसंत के हवाले से मैंने एक बात करनी थी, वो ये थी कि बसंत के हवाले से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार बसंत होनी चाहिए और कुछ लोग कहते हैं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे एक्सीडेंट्स वगैरह जो हैं, आपको पता है कि गर्दन पे डोर फिरने से काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं, जाम बाग हुए हैं। और एक दफ़ा इस तरह हुआ कि फोर्टनाइट में खेल रहा था, वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है जो इंडिया से था, उसे जब मैंने बताया कि पाकिस्तान में बसंत बैंड है, तो उसने कहा यार क्यों? मैंने कहा क्योंकि ये मसला है लोगों के
کی گردن وغیرہ اور یہ اس طرح کافی امواد ہوئی ہیں یہاں پہ. تو اس نے کافی حیرانگی سے پوچھا یہ کیا بات ہے. میں نے کہا انڈیا میں بین نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی طوطے ہوں گے ایسی نا, کہ تب تو بین تھوڑی کر دیں گے, ہمارا کلچر ہے. اس کی یہ اس کا جو جواب تھا وہ یہ تھا. تو اب میں کیا بولوں مجھے نہیں پتہ, آپ ہی کمنٹس میں بتائیں کہ ہونی چاہیے بسات یا نہیں ہونی چاہیے. اور اس کا حل یہ ہے, اگر مطلب بائک پہ کافی زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ایک اینٹینا ہوتا ہے جو ہم بائک پہ یوز کر سکتے ہیں, جو پورا ایک اینٹینا لگتا ہے بائک پہ, اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ گردن وغیرہ نہیں کٹتی. لیکن اب میری رائے جو ہے, کچھ بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں پسند نہیں آئے گی, کیونکہ اس کے علاوہ اور بھی کافی بچے جو گرے ہیں چھت سے گر کے مرے ہیں اور یہ سب. تو احتیاط خود بھی کرنی چاہیے. بہرحال آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ بسات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اور بس آج کا بلاگ اتنا ہی تھا. اور ڈرون میں نے اڑانا تھا لیکن بسات پتنگ بازی اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ میں رسک نہیں لینا چاہتا تھا. میں نے سمجھا کہ ڈرون اگر اڑایا تو واپس نہیں آئے گا, کیونکہ کافی زیادہ پتنگ بازی ہو رہی ہے یہاں پہ. تو بس آج کا بلاگ اتنا ہی تھا, امید آپ کو بلاگ پسند آیا ہوگا. فل رینڈم بلاگ تھا. جب میں نے بلاگ اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے سوچا تھا فل رینڈم بلاگ ہوگا, میں کیمرے کو آف نہیں کروں گا, اور آج کا بلاگ اسی طرح ہی. تو انشاءاللہ نیکسٹ اچھے بلاگز میں ملیں گے. تب تک کے لیے ٹیک کیئر, پیس آؤٹ اینڈ اللہ حافظ. بولو بائے بائے. اللہ حافظ.